डॉक्टर मोहन मिश्र, पेशे से एक चिकित्सक, आज इस प्रकृति वंदन कार्यक्रम में भाग लेकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। जब भी मैं टीवी खोलता हूँ तो देखता हूँ कि कहीं ना कहीं बाढ़ आई है, उत्तराखंड हो, गुजरात हो या और दक्षिण। इधर अपने देश से बाहर अगर देखिए तो चीन हो या अमेरिका हो या और भी कोई देश हो, यूरोप हो, हर जगह बाढ़ ही बाढ़ है। जिस तरह समुद्र का स्तर क्रमशः बढ़ रहा है, यही हाल रहा है, तो अगले कुछ दशकों के बाद हमारे अपने देश के समुद्र के बहुत से किनारे के छोटे छोटे बड़े शहर भी डूब जाएंगे। और विदेशों की तो बात ही छोड़िए, छोटे छोटे द्वीप हैं, एक राष्ट्र के रूप में उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। प्रकृति आखिर इतना बिगड़ी क्यों है हम लोग पर, कुछ सोचना पड़ेगा, कोई उपाय हो तो निकालना पड़ेगा। सबसे समस्या जो हो रही है वो जंगलों की कटाई। जंगल सब एक तरह से स्पॉन्ज का काम करते हैं, पानी को सोखते हैं, जमीन में वही पानी रह जाता है, पेड़ों में पानी चढ़ा जाता है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाता है। जंगलों की कटाई से क्या हुआ है, ये स्पॉन्ज वाला वर्क काम जो है समाप्त हो गया है, जमीन खिसकने लगे हैं, दरकने लगे हैं, वही मिट्टी नीचे आती है, नदियों को अवरुद्ध कर देती है, फिर उसके बाद उसी को तोड़ के आगे निकल जाती है। और इधर इतने क्षेत्र से पानी फैल रहा है कि समुद्र का स्तर भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इससे कैसे बचा जाए, बहुत सीधा उपाय है कि जंगल की मात्रा बढ़ाई जाए और जंगलों की कटाई रोकी जाए। अगर इसमें हम सफल हो गए तो फिर प्रकृति की विशेष चिंता करने की बात नहीं है, सब कुछ ठीक रहेगा। अगर इतना आप नहीं कर सकते, जंगल कटाई तो मुश्किल है, एक वृक्ष को तो बचा सकते हैं। आप कहते हैं जो ही एक वृक्ष लगाइए या एक पौधा ही लगा लीजिए, कुछ कीजिए, बस यही हम लोगों का धर्म है और यही करना है।